Good evening students. I hope we are ready for the history class. अब आपकी इससे पहले इकोनॉमिक्स की क्लास मेरे ख्याल से नहीं थी, तो आप लोग भी फ्रेश हो गए थोड़ा सा, एंड आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि हमने पिछली वाली क्लास में क्या बात करी थी. आपने हमारी ये जो हमारा टाइटल कार्ड है वो तो देख ही लिया है, एंड उसके ऊपर से आपको हमारा जो टॉपिक है उसका टाइटल भी पता है, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश. बिकॉज इसकी हमारी जो 6 क्लासेस होती हुई आ रही थी हमारी मॉडर्न इंडिया की, उसमें हम बेसिकली बात कर रहे थे कि किस तरह ये ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए, एंड ब्रिटिशर्स के इंडिया के आने के बाद उन्होंने किस तरह धीरे धीरे करके छोटी छोटी जगहों पे पहले अपने पोर्ट्स बनाए, फिर अपने बंदरगाह बनाने के बाद उन्होंने अपने फोर्ट्स बनाए, किले बनाए, और फिर ये करते करते वो किस तरह थोड़ी थोड़ी ज़मीन अपने अंदर लेते चले गए. एंड जैसे ही ज़मीनें उनके अंदर आने लगी, उनको पता लगने लगा कि ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं इन लोगों के लिए, तो वो उसी तरह अपना जो दायरा है वो इंडिया के अंदर बढ़ाने लगे. गुड इवनिंग एवरीवन. हेलो सर, ये जो क्वेश्चन है आपका विच इज़ रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम रिलेटेड टू स्टैंडिंग आर्मी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. इसमें अगर आप हमारी जो पिछली जो एनसीईआरटी की वीडियो थी, अगर आप उसमें देखोगे तो हमने बेसिकली थोड़ा सा बात किया था. अब अगर मुझे वो समझाना होगा तो मैं आपको कल एनसीईआरटी की क्लास में समझा दूँ, वो शायद बेटर रहेगा. बट एट द सेम टाइम मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि हमने बात करी थी कि किस तरह एक स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने के लिए, इनफैक्ट वो चीज़ हम यहाँ पे भी देख ही लेंगे, हमारे ब्रिटिशर्स के लिए भी हम देख लेंगे, क्योंकि ये चीज़ हर जगह लागू होती है. मैंने जिन लोगों को नहीं पता है, हमारा जो क्लास था आज एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी की क्लास हमेशा हमारी 2 बजे होती है हर रोज़, जहाँ पर हम जो हमारी क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक है उसको एक बेसिस बनाते हुए हम अपनी एंशिएंट इंडिया, फिर मॉडर्न मिडीवल इंडिया, और उसके बाद मॉडर्न इंडिया करेंगे. और ये वाली जो क्लास होती है ये स्पेसिफिकली स्पेक्ट्रम के ऊपर होती है. तो उस वाली क्लास में आज हमने बात किया था फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में, कि किस तरह प्रारंभिक राज्यों का आगमन हुआ था. अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, मैंने आपको एक चीट कोड दिया था जो मैं आपको हर हिस्ट्री क्लास में ऑलमोस्ट देता रहता हूँ. ये चीट कोड्स वो होते हैं हिस्ट्री के जो हिस्ट्री में थ्रू आउट द टाइम अप्लाई करते हैं, मतलब चाहे वो एंशंट का टाइम हो, मिडीवल का टाइम हो, या मॉडर्न का टाइम हो, चीट कोड्स हमेशा अप्रूव होते हैं. तो उसमें से एक चीट कोड जो आज मैंने आपको दिया था वो ये था कि अगर आपको एक स्टैंडिंग आर्मी चाहिए, स्टैंडिंग आर्मी मतलब एक स्थित स्थलीय आर्मी, मतलब जिसको ऐसा नहीं है कि कल वॉर हो रहा है तो मैं लोगों को बुला रहा हूँ लोगों के घर से और तुम जाओ फिर बैटल करो, नहीं, आर्मी के पोजिशन वाली आर्मी जिनका काम ही है प्रोटेक्ट करना. अगर आपको एक स्टैंडिंग आर्मी चाहिए तो आपको एक प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम की ज़रूरत है. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि ये जो स्टैंडिंग आर्मी होते थे, कोई भी स्टैंडिंग आर्मी मान लो, चाहे मेरी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैंडिंग आर्मी मान लो, किसी राजा की स्टैंडिंग आर्मी मान लो, किसी भी आर्मी को मेंटेन करने के लिए आपको पैसे चाहिए, है कि नहीं? आपको पैसे चाहिए, क्योंकि ये जो आर्मी वाले लोग हैं, अब ये लोग जाके खेती बाड़ी तो नहीं कर रहे हैं, ये लोग जाके व्यापार तो नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने के लिए उनको कोई सैलरी तो देनी पड़ेगी, तभी तो जाके वो अपना दिनचर्या चलाएंगे. आज इंडियन आर्मी भी देख लो, इंडियन आर्मी के लोग, उनको एक सैलरी दी जाती है जिससे वो अपनी फैमिली चला सके. तो उसी तरह इस टाइम में इनके पास जो स्टैंडिंग आर्मी होती थी उसको मेनटेन करने के लिए पैसे चाहिए होते थे. अब ये पैसे स्टेट को देने पड़ेंगे, जो राजा है या जो भी स्टेट है जो इस स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन कर रहा है उसको देना पड़ेगा. और फिर स्टेट के पास पैसे कहाँ से आएंगे? स्टेट को इन लोगों को रखने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो आएंगे हमारे पास टैक्सेशन से. स्टेट जैसे जैसे टैक्स करेगा अपने लोगों को, उसके द्वारा जो इनके पास पैसे आएंगे, उस पैसों का, उस टैक्स का इस्तेमाल करते हुए, वो उस टैक्स को इस्तेमाल करते हुए सैलरी देगा इन आर्मी वालों को, जिससे ये आर्मी को मेंटेन किया जा सके. एंड ये जो चीज़ है वो एकदम एंशिएंट इंडिया से लेकर आज भी 2022 में भी लागू होती है. एंड दैट इज़ द बेसिक रिलेशन बिटवीन टैक्सेशन सिस्टम एंड द स्टैंडिंग आर्मी. समझ में आया? आई होप दैट इज़ क्लियर. अब यहाँ से चलते हैं हम आगे हमारी क्लास की तरफ. क्लास को एक बार हम जल्दी से शेयर कर देते हैं आपके फ्रेंड्स के बीच में, जिससे हमारे सभी साथी लोग आके जुड़ सके हमारी स्पेक्ट्रम क्लास में, जितने भी लोग हमारे साथ स्पेक्ट्रम ले रहे हैं उनके लिए, राइट? सो एक बार वो भी जुड़ जाएंगे. क्लास को एक बार, सेशन को लाइक भी कर देना, जिससे हमारा ये जो रिविजन वाला टाइम पीरियड है, रिविजन के साथ साथ ही बाय द टाइम पीपल ज्वाइन, उनके लिए नई क्लास आप लोगों के साथ स्टार्ट हो जाएगी, राइट? परफेक्ट. तो अब पहली बात तो ये है कि अगर आप में से बहुत लोग नए हैं जितने भी आप नए लोग हैं एक बार टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज इसी के थ्रू मैं आपको ये जो क्लासेस हैं इसके जो नोट्स एंड पीडीएफ वगैरह हैं जो आज आपको क्लास के बाद मिल जाएंगे। आज आपको क्लास के बाद जो हमारी एनसीईआरटी की पिछली दो क्लासेस थी और जो हमारी स्पेक्ट्रम की जो दो क्लासेस थी उनके नोट्स आपको इसी क्लास के बाद अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, सो नंबर वन इज दैट। नंबर टू इज़ आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 2024 के लिए जो 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, अभी अगर आप 23 दिसंबर तक लेते हैं तो आपको एक 3 मंथ का एक्सटेंशन मिल जाता है हम उसके सब्सक्रिप्शन के अंदर, जिसके बारे में मैं आपको बाद में क्लास के एंड में बता दूंगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस होल पीरियड। अब अगर आपने हमारी पिछली 5 या 6 क्लासेस ली हैं, आपको पता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान क्या हो रहा था। सल्तनत पीरियड से हम चले गए थे मुगल पीरियड की तरफ, मुगल पीरियड से हम आ गए थे हमारे इस मुगल साम्राज्य के अंदर, जहाँ से ये जो हमारी डिफरेंट फॉरेन कंपनीज थी उनको ट्रेडिंग परमिट्स मिलने लगी थी इन लोगों से, इन ब्रिटिशर्स से, राइट? इन लोगों को ट्रेडिंग परमिट्स मिलने लगी थी। एंड मैंने इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण आपको ये दिया था कि ये जो हमारे इस टाइम के जो राजा वगैरह होते थे इनको ज़रूरत थी इस ट्रेड की, इनको ज़रूरत थी अपने इस उनके आसपास जो एरिया है उसके अंदर जितना उनको लग रहा था कि जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ज़्यादा उनकी इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, उतना ज़्यादा पैसा उन लोगों के पास आएगा। एंड मैंने ये भी कहा था आप लोगों की कि ये जो प्रोविंसेस के राजा होते थे ना, ऊपर तो मेरा मुगल एम्पायर था, इवन दो औरंगज़ेब के मरने के बाद भी जो हमारा मुगल एम्पायर था वो तो था ही, हमारे पास कोई अच्छा रूलर नहीं आया वो अलग। मेन जो मेरा एंटिटी थी जिसके नाम पे सारे के सारे काम करवाए जाते थे वो मेरा मुगल साम्राज्य था। अब ये जो मुगल साम्राज्य था इनके लिए ट्रेडिंग पोस्ट होना फ़ायदेमंद वाली बात थी, बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इस इतने बड़े मुगल साम्राज्य के अंडर बहुत छोटी छोटी जगहें थी जिसमें छोटे छोटे मनसबदार, इक्तेदार ये लोग उस एरिया को मेंटेन करते थे। अब इन लोगों का जो आचरण था वो इन राजाओं जैसा था, वो चाहते थे कि इन राजाओं के पास जितने पैसे हैं उतने पैसे हमारे पास हों। तो बेसिकली उनके अंदर एक लालच था, राइट? उनके अंदर एक लालच था एंड इसी लालच का फ़ायदा उठाते थे हमारे जितने भी यूरोप से आने वाली ट्रेडिंग कंपनीज थी। वो क्या करती थी, इन राजाओं को बोलती थी कि आप कुछ चंद पैसों के लिए आप मुझे ये एरिया दे दो एंड इसमें मैं ट्रेड करता रहूँगा। अब राजा को लगता था कि मुझे इतना सारा पैसा दिया जा रहा है। मैंने आपको बताया था ना, हमारा जो एग्जाम्पल देखा था हमने, वो ये देखा था कि आज के जो मेरे 10 रुपये हैं या आज के जो मेरे 1000 रुपये हैं वो आज से 10 साल पहले 10 रुपये के बराबर होते थे, 100 रुपये के बराबर होते थे। उससे भी और पीछे चले जाओ वो 10 रुपये के बराबर होते थे, उससे भी पीछे चले जाओ वो शायद 1 रुपये के बराबर होते थे। तो ये जो प्राइस मनी है वो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता रहता है कि नहीं? वो इन्फ्लेशन के साथ मेरा बढ़ता रहता है। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये जो राजा लोग थे इनको लग रहा था इनको अभी जो पैसा मिल रहा है वो ही उठा लेते हैं। मतलब ये बात तो ऐसी हो गई कि मैंने आज आपको बोला कि मैं आज आपको 30,000 रुपीज़ दे देता हूँ, आप मुझे ये अपना ये छोटे से एरिया में मुझे मेरा स्टॉल लगाने दीजिए। 30,000 रुपीज़ मैंने एक ही बारे में पे कर दिया। बाकी लोग आपको 1000 रुपये महीने का दे रहे थे, मैंने आके एक ही बार में 30,000 रुपये दे दिया आपको। आप मान गए, अरे मुझे इतने सारा पैसा मिल गया। बट दिक्कत ये थी कि ये बाद में नेगोशिएट नहीं हुआ। ये जो 1000 रुपये 10,000 रुपये के हिसाब से ये जो हमारे ब्रिटिशर्स, जैसे यहाँ पे आप देखो ये ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इन्होंने सतानुती, गोविंद नगर, कालीघाटा, इन्होंने प्रोप्राइटरशिप राइट ले ली थी सिर्फ 1200 रुपये दे के। एंड इसी के थ्रू फोर्टिफिकेशन बना के उन्होंने कोलकाता शहर का स्टार्ट कर दिया था, कलकत्ता शहर का स्टार्ट कर दिया था सिर्फ महज 1200 रुपये दे के। तो बात ये होती थी कि यहाँ के ये जो प्रोविंसेस के राजा वगैरह होते थे ना, इनके अंदर वो दूरदर्शिता नहीं थी। इनको जो आसपास पैसे मिल जाते थे, जो भी मिल जाता था, वो लोग उसी से खुश हो जाते थे। एंड बिकॉज ये लोग उसी से खुश हो जाते थे, इन ब्रिटिशर्स के लिए इन लोगों को मनाना बहुत ईजी हो गया। एंड इसी को करते करते फाइनली बात आई फारूक शियार के ऊपर। फारूक शियार को उन्होंने बोला कि सर आप टेंशन क्यों ले रहे हो, हम आपको ये सब दे देंगे, वो सब दे देंगे। फारूक शियार को बहुत मनाने की कोशिश करी, बहुत सारा पैसा दिया। एंड इस फारूक शियार को पैसे देने के चलते ब्रिटिशर्स को जो चीज़ मिली उस चीज़ ने पूरी तरह हमारी हिस्ट्री को चेंज कर दिया, पूरी तरह हिस्ट्री को चेंज कर दिया। एंड इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि किस तरह उनको एक तो पहली चीज़ मिलती है कि पूरे के पूरे बंगाल में आप सिर्फ सालाना 3,000 रुपये देना, एंड इस 3,000 रुपये देने की वजह से आपको कोई भी कस्टम टैक्स या ड्यूटी या कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर आपको एक दुकान में 100 रुपये में चीज़ें मिलती हैं एंड एक दूसरे दुकान में 100 रुपये की चीज़ें मिलती हैं, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि मैं इस 100 रुपये की चीज़ लूँगा या ये 100 रुपये की चीज़ लूँगा। बट अचानक से टैक्स बढ़ जाता है हमारी लोकल चीज़ों के ऊपर। ये हो जाती है मेरी 200 रुपये की चीज़, ये हो जाती है मेरी 200 रुपये की चीज़, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स वाले दे रहे थे, इनकी चीज़ अभी भी 100 रुपये की ही रहती है। बट ये ब्रिटिशर्स लोग क्या करेंगे, अपना सामान को फिर ये 100 की जगह 180 कर देंगे। दाम तो अभी भी 200 से कम ही है, बट इनका प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको अभी भी मजबूरन ये 180 वाली चीज़ ही खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो लोकल वाली 200 की चीज़ है वो नहीं खरीद सकते, वो ज़्यादा महंगी है। तो इस फर्रुखशाह के इस फरमान की वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अब इनके लिए ट्रेड करना इतना ज़्यादा इजी हो जाता है। ना ही इनको लोकल लोगों से कंपटीशन मिल रही है, और जो उस टाइम पे पोर्तुगीज़ वगैरह थे उनको तो हमने देख लिया कि उनका ऑलरेडी खात्मा होने लगा था, उनका ऑलरेडी पतन होने लगा था। तो अब इनके पास एक ही चैलेंज जो बचता है वो आएगा फ्रेंच लोगों से, जो हम आगे जाके देखेंगे। अब यहाँ पर हमने बात करी थी दस्तक या पासेस के बारे में भी, पास सिस्टम के बारे में भी, जिसमें लिखा गया था कि अगर आपके पास ये ब्रिटिश द्वारा दिया गया परमिशन या परमिट है तो आपको कहीं पे भी टोल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको मैं एक कूपन देता हूँ कि ये कूपन आपका 1,000 रुपये का कूपन है, आप जाके अमेज़ॉन से कुछ भी खरीद सकते हो। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये कूपन एक के बाद जेरोक्स करने लग जाओगे और अमेज़ॉन से जितनी सारी चीज़ें खरीदने लगोगे तो अमेज़ॉन का तो घाटा ही होगा ना। बट सर, ये ब्रिटिशर्स के लिए अलाउ कर दिया गया था कि आप लोग इशू करो, जो भी ट्रांजिट परमिट जिसको भी करना है करो। तो पहले ये लोग क्या करते थे, कंपनी वालों को देते थे, मतलब कंपनी के सामान के लिए देते थे। फिर इंडिविजुअल अपने आप को ही देने लगे कि मैं जितना अपने आप से ट्रेड करवाऊंगा उसको भी ड्यूटी फ्री करवा दूंगा। एंड इस तरह से आप देख सकते हो किस तरह फर्रुखशाह के फरमानों के इन पैमानों से मेरा पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो चेंज हो गया, पूरा का पूरा ट्रेडिंग सिस्टम अफेक्ट हो गया। और वो इस तरीके से अफेक्ट हुआ कि अब धीरे धीरे ये इंग्लिश वाले लोग पूरी तरह मेरे इंडिया के अंदर छा जाएंगे। मतलब सिचुएशन तो ऐसी आ गई थी कि ये लोग इतना प्रॉफिट बना रहे थे कि ब्रिटिश में बैठे जो राजा लोग थे उनको जलन होने लगी थी, उनको कुछ जलन होने लगी थी। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि किस तरह ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये एक प्राइवेट कंपनी थी। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कितना बड़ा फर्क था। आप में से किसी ने मुझे ये भी पूछा था कि सर डच इंडिया कंपनी जो थी, डच की जो कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या वो पब्लिक या प्राइवेट थी? सर वो भी एक प्राइवेट कंपनी थी। एंड इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, अगर आप टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड देखोगे बिटवीन 1602 टू 1796, इसके बीच में अगर टोटल ट्रेड देखोगे बिटवीन यूरोप एंड ईस्ट एशिया, आप पाओगे कि सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी इस टाइम पीरियड पे पूरे ईस्ट एशिया में और पूरे यूरोप के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, वो एक्चुअली डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। बट खैर वो हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट बात आती है प्राइवेट और पब्लिक की, और उसमें हम देखते हैं हमारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होता है वो एक प्राइवेट कंपनी होती है। उसमें स्टेक होल्डर होते हैं जो अपने शेयर खरीदते हैं इस कंपनी के अंदर, और जितना लाभ मिलता रहता है उनको उतना लाभ मिलता रहता है। अब ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर हमने बात करना शुरू किया था फ्रेंच लोगों के बारे में, क्योंकि क्या हो रहा था, हमारी जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी पोर्तुगीज़ और स्पेन लोगों से, ट्रीटी ऑफ तोर्देसियास, ट्रीटी ऑफ जरगोसा, ये सारी बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी। बट वहाँ से जो बात हमारी शुरू हो चुकी थी, वेयर वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि किस तरह हमारे ये जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करते थे पोर्तुगीज़ लोग, स्पेनिश लोग, उस टेक्नोलॉजी को ये बहुत गौर से देख रहे थे हमारे ब्रिटिशर्स और हमारे फ्रेंच लोग। तो अभी तक ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते उन्होंने नई नई चीज़ों का इन्वेंशन किया, नई नई बोट्स बनाई, पोर्तुगीज से भी बेटर बोट्स बनाई और आ गए इंडिया के अंदर। बट फिर सर फ्रांस भी पीछे क्यों रहता? फ्रांस ने भी वही किया। फ्रांस ने अपने, फ्रांस के जो बहुत ही अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम था कोलबेर, कोलबेर ने क्या किया, उन्होंने भी एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दिया उन्होंने ट्रेड करने के लिए इंडिया के अंदर। जो इतना प्रॉफिटेबल ट्रेड वहां से हो रहा था, यानी ये इतना प्रॉफिटेबल क्यों हो रहा था, रिवाइज कर लीजिएगा इन वीडियोस को एक बार। हमने बात करी है बिल्कुल पहली क्लास में कि किस तरह ऑटोमन एम्पायर आ गया था बीच में, जिन्होंने पूरी तरह यूरोप और इंडिया का ट्रेड कट ऑफ कर दिया था, है कि नहीं? तो जब इंडिया से ये लोग डायरेक्ट ट्रेड करने लगे थे तो इनके लिए प्रॉफिट का मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, राइट? वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो अब बात आती है फ्रेंच लोगों की। उन्होंने भी बोला हम भी कंपनी खोलेंगे, हम भी फ्रेंच, हमारी भी एक कंपनी भेजेंगे, हम भी इंडिया से ट्रेड करेंगे, हम भी खूब पैसा कमाएंगे। बट दिक्कत यही थी कि द किंग हिमसेल्फ हैड अ सिग्निफिकेंट स्टेक इनसाइड द कंपनी। राजा का खुद बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी। कितनी महत्वपूर्ण पता है आपको? राजा यूज्ड टू ओन 60% ऑफ दिस कंपनी, मतलब 60% इस कंपनी के शेयर्स इस उनके राजा के होते थे। 60% कंपनी के शेयर्स राजा के होना मतलब कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन होंगे वो राजा लेगा। 60% से ज्यादा जो प्रॉफिट आएगा वो राजा के पॉकेट में जाएगा। ये प्राइवेट ट्रेडिंग जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, वो उनका जो प्रॉफिट होता था लोग जेब में ज़रूर डालते थे, बट बहुत सारा उनकी नई नई आर्मी मेंटेन करने के लिए, नए गन्स लाने के लिए, नई फोर्टिफिकेशन करने के लिए और नई नई जगहों को कैप्चर करने के लिए किया जाता था। बट यहाँ पे उस उनका ये जो फ्रेंच लोगों का जो प्रॉफिट होता था उसका 60% तो गायब ही था, गायब ही था, वो जो पूरा राजा के पास जाता था, राइट? So you're right, the Britishers were the very first people. In fact, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हम आगे जाके बात करेंगे कि क्यों वो लोग इतना सक्सेसफुल थे, हम वहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह वो डेट मार्केट का इस्तेमाल करते थे, किस तरह वो लोगों को बोलते थे कि आप आओ हमारे कंपनी के ऊपर दाव लगाओ, हमको लोन दो वॉर करने के लिए, और इन लोन्स के प्रति हम जाके जब वॉर्स को जीत जाएंगे और ये जो लड़ाइयों को जीत जाएंगे उसके थ्रू जो प्रॉफिट मिलेगा उसका एक शेयर हम आपको दे देंगे। मतलब प्रॉपर बिजनेस मेंटालिटी थी इनकी। एंड बिकॉज इनकी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस मेंटालिटी प्रॉफिट मेकिंग मेंटालिटी होती थी, इसीलिए ये लोग इतने ज्यादा सक्सेसफुल थे, जिसकी बात हम करेंगे आगे जाके, राइट? हम पाते हैं कि जब ये फ्रेंच लोग, इन्होंने ये जो अपनी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और फिर इनको जब ट्रेड करने के लिए भेज दिया, ये इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जाके अपनी मोनोपोली बनाना स्टार्ट करा। बट अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हो जाती है फ्रेंच के लिए। अब आप में से जितने लोग भी नए हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको ये जो क्लासेस के नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, राइट? नाउ हम देखते हैं कि ये जो फ्रेंच हैं उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है वो ये है कि देखिए अभी ये जो फ्रेंच, डच, इंग्लिश लोग हैं, ये कोई भी ऐसा तो नहीं है कि फ्रेंच लोग अपना काम कर रहे हैं, इंग्लिश लोग अपना काम कर रहे हैं, डच लोग अपना काम कर रहे हैं, नहीं। सबको अपने एक दूसरे का कॉम्पिटिशन चल रहा है, सबको प्रॉफिट चाहिए, किसी को भी प्रॉफिट शेयर नहीं करना है। तो एक बार फ्रेंच और डच की लड़ाई यहाँ हो जाती है, जिसमें क्या होता है, डच ने 1693 में पॉन्डिचेरी जो उनका मेन सेंटर था फ्रेंच का, वो ही कब्जा कर लिया था, उसके ऊपर ही कब्जा कर लिया था। एंड ये कब्जे में हेल्प भी मिलती है इनको इंग्लिश लोगों से आफ्टर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688। एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है जिसके थ्रू इंग्लैंड के अंदर जो रूलिंग सिस्टम होता है वो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है तो ज़्यादा मैं ये बोलने जाऊँगा तो फिर हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। बट ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो था बेसिकली वो एक चेंज ऑफ गार्ड था बिटवीन द कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट चर्चेस, राइट? बट उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यही चीज़ याद में रखना कि कॉम्पिटिशन हमेशा कंटिन्यूसली इनको मिल रहा है, इनको कंटिन्यूसली कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या वो इंडिया के बाहर हो। हम पाते हैं डिस्पाइट द ट्रीटी ऑफ राइसविक साइंड इन 1697, रिटर्न जो ट्रीटी ऑफ राइसविक था वो जो एक पीस ट्रीटी टाइप की थी जो साइन करी गई थी वॉर के चलते, सक्सेशन वॉर ऑफ सक्सेशन के चलते, उसमें इवन दो फ्रेंच लोगों को अपना एरिया मिल जाता है बट उनका जो पीसफुल वाला टाइम होता है ना वो कभी शुरू ही नहीं होता। आप पाते हैं कि जैसे हमारे कुछ कुछ महारती लोग थे, जैसे फ्रैंकोइस मार्टिन है। फ्रैंकोइस मार्टिन एक केपेबल लीडर थे फ्रेंच लोगों के, वो काफ़ी केपेबल लीडर थे। उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ली थी जिससे फ्रेंच का जो दायरा है वो इंडिया के अंदर बढ़ाया जा सके। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम्स तो बाहर थक नहीं रही थी हमारी, हमारे यूरोप के अंदर। आपको पता है कि किस तरह जो हमारा फ्रांस और किस तरह हमारा जो स्पेनिश और पोर्चुगल दो हमारे सबसे पहले बड़े बड़े पावर हुआ करते थे, अब उनके अंदर भी धीरे धीरे कमियां दिखने लगती हैं। एंड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आता है हमारा वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन का। वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन क्या था? ये जो हमारे प्रिंस, हमारे जो चार्ल्स द सेकेंड थे, जो चार्ल्स द सेकेंड हमारे स्पेन के राजा थे, उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी। इनफैक्ट जब से उनका जन्म हुआ था और जब से उनको राजा की गद्दी मिली थी तभी से सबके सब लोग इर्द गिर्द इनके प्लान कर रहे थे कि इनके मरने के बाद कौन उनकी गद्दी पे आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक बात तो ये थी कि किंग जो हमारे चार्ल्स द सेकेंड थे उनका कोई अपना बेटा नहीं था, बेटा या बेटी नहीं थी, तो उनका कोई सक्सेसर ही नहीं था जो उनके पास आएगा, है ना, उनका जो उत्तराधिकारी बनेगा। उनके पास कोई सक्सेसर नहीं था, तो इसीलिए सबको पता था कि जैसे ही चार्ल्स द सेकेंड की मृत्यु होगी सब झपट पड़ेंगे इस स्पेनिश एम्पायर को अपने अंदर लाने के लिए, इस पूरे के पूरे स्पेनिश एम्पायर को। ये एंड उस टाइम इवन दो स्पेनिश एम्पायर धीरे धीरे वीक हो रहा था बट तब भी उनके अंडर बहुत सारा एरिया था पूरे दुनिया के अंदर। क्योंकि याद करना, ये जो पोर्तुगल स्पेन दोनों जो निकले थे, जहाँ पोर्तुगल चला गया था मेरे ईस्टर्न साइड में, वहीं हमारा जो स्पेन था वो गया था हमारे वेस्टर्न साइड में। एंड वेस्टर्न साइड में जाके पूरे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में दोनों जगह अपनी कॉलोनीज बनाई थी इन लोगों ने, दोनों जगह। इनफैक्ट फिलीपींस में भी जाके इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई थी और इन कॉलोनीज के चलते इनको बहुत सारा प्रॉफिट इनके पास था। तो इसीलिए लोग, ये जो हमारे यूरोप के अंदर ये जो फ्रेंच थे, डच थे, हमारे इंग्लिश थे, इन सबको कोई ना कोई एक टुकड़ा चाहिए था स्पेन का। तो ये लड़ाइयाँ हमेशा होती रहती थी, मतलब बड़े स्टेज पे जो हमारा मुख्य स्टेज है वहाँ पे ये लड़ाइयाँ हो ही रही हैं। तो अगर ये लड़ाइयाँ हो ही रही हैं, और आपको मैंने बताया था कि किस तरह फ्रेंच के जो लोग थे उनका 60% जो स्टेक होल्डरशिप था, शेयर था, वो था हमारे इनके पास, राजा के पास। तो अब जब राजा का इन्वॉल्व होता है उस लड़ाई में, राजा क्या करेंगे, इन फ्रेंच कंपनी वालों को बोलेंगे थोड़ा और पैसे दो मुझे, मैं चाहता हूँ आपके वहाँ पे जो लड़ाई हो रही है वो जीतूं और उसके लिए मुझे लोग चाहिए, उसके लिए मुझे हथियार चाहिए। और इस टाइम पीरियड पे पता है आप लोगों को लड़ाइयाँ किसी छोटे स्केल पे नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि 10,000 लोग लड़ रहे हैं, नहीं, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख की तादाद में लड़ाइयाँ होती थी। एंड इस टाइम पर लड़ाइयाँ ऐसे तीर धनुष से तो हो नहीं रही हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही है बंदूकों से। तो बंदूकों को बनाने के लिए भी पैसे ज़्यादा चाहिए, जो आर्मर है, जो बॉडी आर्मर है, उसको बनाने के लिए भी पैसे ज़्यादा चाहिए, बड़े बड़े तोपों को बनाने के लिए पैसे ज़्यादा चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस टाइम पे जो युद्ध होते थे वो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल खर्चा हुआ करता था, बहुत ही बड़ा। एंड आप पाओगे आगे जाके बहुत बार तो क्या होता था, ये कोई जो युद्ध होता है, हम जैसे आगे जाके देखेंगे कि ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसका कोई कंक्लूजन ही नहीं निकला, कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, बट इतने पैसे खर्चा हो गए कि दोनों ने आखिरी में आके हाथ मिला लिया कि भाई हम ये वॉर कंटिन्यू ही नहीं कर सकते, तुमको अगर कंटिन्यू करना है तो देख लो, मैं भी कंटिन्यू कर लूँगा, तो बट मैं, मेरी बात मानो, वॉर कंटिन्यू नहीं करते हैं बिकॉज बहुत पैसे जा रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा पैसों का कंजम्पशन होता था इन वॉर्स के अंदर। बिल्कुल, तब बहुत लोग मारे भी जाते थे बिकॉज अब बात हो रही बंदूकों की, बड़े बड़े बंदूकों की, बात हो रही है तोपों की, तो कैजुअलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती थी, लोग भी बहुत ज़्यादा मरते थे। इनफैक्ट उस टाइम पे जो टाइम पीरियड था उसको एक लिटिल आइस एज भी कहा जाता है। लिटिल आइस एज क्यों इसलिए कहा जाता है कि उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी यूरोप के अंदर। एंड बिकॉज उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तो जो खेती बाड़ी हो रही थी उसका जो उपज था वो ज़्यादा नहीं था, तो खाना भी कम था, खाने की भी कमती थी, ऊपर से वॉर चल रही है, ट्रेड कम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को आप अगर मिलाते जाओगे तो आप पाओगे कि एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल बर्डन हो जाता था इन लोगों के ऊपर, राइट। इट वाज अ बिग थिंग। 300 मूवी जो थी, इनफैक्ट अशय जी 300 मूवी का जो हमारा टाइम पीरियड है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो हमारा पर्शियन वर्सेस हमारा जो रोमन एम्पायर स्पार्टास, जो स्पार्टन्स थे उनका टाइम पीरियड था, बट कह सकते हो कि काफ़ी सिमिलर सिचुएशन हो रहा था जहाँ पे इन लोगों के बीच जो लड़ाई हो रही थी ना, इनका कंक्लूजन निकलना बहुत डिफिकल्ट था, इसका कंक्लूजन निकलना बहुत डिफिकल्ट था। एंड इस सारी चीज़ को डिस्कस करने का तात्पर्य यही है कि जो लड़ाइयाँ वहाँ हो रही हैं ना बड़े स्टेज पे, उन लड़ाइयों का एक डायरेक्ट असर हमारे इस इंडिया के स्टेज पे भी पड़ रहा था। बट जो अफेक्ट हो रहा था वो अफेक्ट एक कंपनी को थोड़ा ज़्यादा होगा और एक कंपनी को थोड़ा कम होगा, और वो हम देखेंगे आगे जाके क्यों। बट चलिए हम अपना स्टेज सेट करते हैं हमारे इन आने वाली तीन कर्नाटिक की लड़ाइयों के लिए। एंड यहाँ पे जो कर्नाटिक की बात हो रही है ये वो कर्नाटका वाला कर्नाटिक नहीं है। कर्नाटिक इनफैक्ट हमारा मैप का एक पोर्शन है, जो ये पोर्शन था मेरा, ये जो ग्रीन में आपको पोर्शन दिख रहा है, दिस वॉज द पोर्शन दैट इज नोन एज द कर्नाटिक एरिया। ये जो पोर्शन है मेरा इसको हम कर्नाटिक कह सकते हैं, कर्नाटिक एरिया जिसके बारे में ये सारी लड़ाइयाँ की जा रही थी, राइट। तो हमारा स्टेज क्या था इस टाइम पीरियड में? हमारा स्टेज क्या था? स्टेज ये था कि थ्रू द ब्रिटिश एंड फ्रेंच, दो दी ब्रिटिश एंड फ्रेंच अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड, दे वर इवेंचुअली ड्रैग्ड इनटू द इंडियन पॉलिटिक्स। अब दो तरफा चीज़ें हो रही हैं। ये जो ब्रिटिश और फ्रेंच थे जो आ रहे थे यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करने के लिए, ये एक तो अपनी घर की पॉलिटिक्स में ड्रॉ हो रहे थे, उनके घर में एज इन यूरोप में क्या चल रहा था उसके उसका भी एक इफेक्ट आ रहा था, ऊपर से इंडिया में जो पॉलिटिक्स चल रही थी, इंडिया की जो पॉलिटिक्स थी उसका भी एक डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा था हमारे इस ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों के अंदर। क्यों? बिकॉज आप देखोगे कि अगर मान लीजिए ये ब्रिटिश और फ्रेंच लोग अपना अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं तो ये ब्रिटिश लोग क्या करेंगे, एक राजा से जाके बात करेंगे, ठीक है, कि राजा को बोलेंगे राजा मैं आपको 10,000 रुपये दे देता हूँ, आप अपने एरिया में जो बंदरगाह बनाऊंगा वो सिर्फ ब्रिटिश को ही बनाने दीजिएगा, फ्रेंच को मत दीजिएगा। फिर फ्रेंच जाके बोलेगा उसको कि राजा मैं आपको 12,000 रुपये दे देता हूँ, ठीक है, आप मुझे बनाने दो, इंग्लिश लोगों को मत बनाने दो। फिर इंग्लिश वाले सोचेंगे यार 12,000 तो मैं इससे दूंगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, इस राजा का जो ऑपोजिशन है, जो इस राजा के खिलाफ बोलने वाला जो राज्य है, मैं उसके पास जाके उनको बोलता हूँ कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप इस राजा को हरा दो, है कि नहीं। पहले बात शुरू हुई थी ऐसे कि ये जो ब्रिटिश और फ्रेंच वाले लोग थे वो एक जहाँ वहाँ के जो लोकल लीडर्स वगैरह हुआ करते थे उनके अंदर अपनी पैसे डलवा के एक प्रॉक्सी वॉर करवाने की कोशिश करते थे। प्रॉक्सी मतलब जहाँ पे वो खुद मौजूद नहीं है, जिस युद्ध में वो खुद मौजूद नहीं है बट उस युद्ध का इफेक्ट इन लोगों के ऊपर आएगा। तो ब्रिटिश वाले एक तरफा सपोर्ट करते थे और फ्रेंच वाले एक तरफा सपोर्ट करते थे, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि वो लोग दोनों साइड के पॉलिटिक्स से अफेक्ट हो रहे थे, इंडिया की पॉलिटिक्स से भी और ईयू के पॉलिटिक्स से भी, राइट। कोई डाउट अभी तक? एनी डाउट टिल नाउ? अभी तक तो आई फील लाइक हम वही यूजुअली अपना जो स्टोरी है वो बिल्डअप करते हुए चल रहे हैं। हम देखते हैं कि किस तरह दी एंग्लो फ्रेंच कॉम्पिटिशन इन इंडिया मिरर्ड द कस्टमरी राइवलरी बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस थ्रू आउट देयर हिस्ट्रीज, जो अभी हमने बात करी। इट बिगैन विद द कमेंसमेंट ऑफ द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन एंड एंडेड विद द 7 ईयर वॉर्स ऑफ सक्सेशन। अब ये जो दोनों वॉर्स हैं, ऑस्ट्रियन वॉर है और मेरी जो 7 ईयर वॉर्स है, इसके बारे में जब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसमें और अच्छे से डिटेल में पूरा स्टोरी बनाते हुए बताते जाऊँगा, बट अभी के लिए बस इतना जान लो, ये जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था ये हुआ था हमारा, ये जो फ्रांस है, जो पिंक में जो मेरा फ्रांस है और इधर जो ग्रेट ब्रिटेन है, ये जो ऑस्ट्रियन हाईलैंड्स है ना, इस एरिया को लेके वॉर करना था इन दोनों को। फ्रांस चाहता था इसको मैं ले लूँ, इंग्लैंड चाहता था मैं ले लूँ, उसी तरह यहाँ पे भी और लोग थे जो अपना दबदबा इसके ऊपर डालना चाहते थे। तो जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था वो तो इतने से एरिया के लिए था। जो 7 ईयर वॉर्स था वो था कि पूरे के पूरे यूरोप का जो ट्रेड का दबदबा है वो कौन संभालेगा, पूरे यूरोप के ऊपर डोमिनेंस कौन रखेगा। तो ये जो लड़ाइयां होती थी उधर यूरोप में, उसका एक डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया के ऊपर भी आता था। हम देखते हैं इन इंडिया The competition, which took the shape of three Carnatic wars, determined once and for all that English and not the French would be the lords of India. वो कैसे? अब हम वो देखने वाले हैं. Now, South India's political status was unsettled and perplexing in the 1740s. South India का जो political situation था वो बड़ा ही गहमा गहमी वाला था. And हम पाते हैं कि ये गहमा गहमी कब होती है. हमारा जो चीट कोड नंबर 2 है वो याद करो. चीट कोड नंबर 2 हमने बताया था कि जब भी कोई एक बड़ा राजा होता है, एक सेंट्रल राजा होता है जो बहुत अच्छा राजा होता है, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा फैलता फूलता है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये जो किंगडम होता है ना उनका, वो छोटे छोटे किंगडम्स में बढ़ जाता है, जो बार बार ट्राई करता है एक दूसरे से लड़के जितना ज़्यादा एरिया हो सकता है अपने अंडर लाने के लिए. एंड इस दौरान यही हो रहा था. जो मेरा बहमनी किंगडम था और जो मेरा विजयनगर किंगडम था, वो दोनों थोड़े थोड़े टालमटोल वे में चल रहे थे. तो बहुत सारे जो उनके लोकल रूलर्स थे और लीडर्स थे, वो चाहते थे अपनी इंडिपेंडेंस निकाल के खुद सारा ट्रेड और सारा व्यापार और अपने इंडिपेंडेंस के हिसाब से रहें. एंड इसी का फ़ायदा उठाने वाले थे हमारे फ्रेंच और ब्रिटिश लोग. हम देखते हैं, टू द साउथ ऑफ द डोमिनियन वॉज द कोरोमंडल कोस्ट विच lacked a strong monarch to preserve the power and the power balance. मैंने जैसे बताया, कोई भी strong राजा जब नहीं होगा तो ये सारा टालमटोल होता रहेगा, जहाँ छोटे छोटे राजा अपना ही दायरा बनाने के लिए, अपना ही दायरा बढ़ाने के लिए काम करेंगे. We also find the loss of Hyderabad signaled the end of the Muslim expansionism and the English adventurers prepared their plans accordingly. इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आगे जाके. And then finally there was also the Maratha kingdom of Tanjore, which gave the Peshwas of Pune a reason to intrude whenever he chose. अब यहाँ पे भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगली क्लास में हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर उस टाइम क्या चल रहा था. अभी हम इंडिया के बाहर देख रहे हैं, है कि नहीं? हम देख रहे हैं कि बाहर से इंडिया के अंदर कौन आ रहा है. अगली क्लास में जो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 4, हम उसमें देखेंगे मराठास क्या कर रहे थे, हमारे मुगल लोग क्या कर रहे थे, चल क्या रहा था इंडिया के अंदर कि ये लोग इतना इजीली हमारे अंदर घुस पाए. अब इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आप देखोगे, ये जो निज़ाम का दायरा है, ये निज़ाम जो थे ये खुद मुगल एम्पायर द्वारा अपॉइंट किए गए थे. ये जो निज़ाम है इनको मुगल एम्पायर ने खुद अपॉइंट किया था. जब ये निज़ाम उल मुल्क की मृत्यु होती है, जो वहाँ के उस टाइम के जो रूलर थे उनकी जब मृत्यु हो जाती है, तब इनके जगह कौन आएगा, इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा. उसमें भी ये जो मेरे ब्रिटिशर्स हैं और जो मेरे फ्रेंच हैं वो अपना गेम खेलने की कोशिश करते हैं, राइट? उसमें भी वो अपना गेम खेलने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे आगे जाके. नाउ दिस इज वेयर वी स्टार्ट एवरीथिंग. यहां से स्टार्ट हो जाती है प्रॉपर हमारी कर्नाटिक लड़ाइयों की बात. आई होप आपको याद है कोरोमंडल कोस्ट किधर है और हमारा मालाबार कोस्ट किधर है. मैंने आपको उसको याद करने का तरीका बताया था. मुंबई एम से स्टार्ट होता है, मालाबार एम से स्टार्ट होता है, तो जिस साइड मुंबई है उसी साइड मेरा मालाबार कोस्ट है. चेन्नई सी से स्टार्ट होता है, कोरोमंडल सी से स्टार्ट होता है, तो जिस साइड मेरा चेन्नई है उस साइड मेरा कोरोमंडल कोस्ट है, राइट? आई होप आपको ये याद रह जाएगा, राइट? सो अब हम देखते हैं, द कोरोमंडल कोस्ट एंड इज हिंडरलैंड वर गिवन द नेम कर्नाटिक बाय द यूरोपियंस. वो जो मैंने आपको अभी मैप में दिखाया कि इस एरिया को ये लोग कर्नाटिक कहते थे. ये जो पूरा एरिया है मेरा जो ग्रीन में है उसको ये लोग कर्नाटिक कहते थे. नाउ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वॉज अ यूरोपियन एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रेंच वॉर दैट वॉज प्रॉम्प्टेड बाय द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन. Although France, aware of its relative weakness in India, did not want an extension of hostilities, the English fleet under Barnet captured some French ships in order to antagonize France. ये लोग यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उधर जो लड़ाई हो रही थी ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन की ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में, वो लड़ाई किसी ना किसी तरह इधर भी आ गई. मतलब ये तो कहने का मतलब ये हो गया कि रशिया और यूक्रेन में अभी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो रशिया एज ए कंट्री और यूक्रेन एज ए कंट्री एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कल अगर इंडिया के अंदर एक रशियन आदमी और एक यूक्रेन आदमी एक दूसरे से लड़ने लगे, बिकॉज रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, बात ऐसी ही हो जाएगी. इवन तो इनका कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है उस वॉर में और ना ही उस वॉर के ऊपर कोई डायरेक्ट इतना इफेक्ट आएगा, बट ये एक दूसरे से लड़ेंगे. एंड वही हो रहा था. यहाँ पे फ्रेंच का जो एरिया था वो बहुत छोटा सा एरिया था. उनके पास जस्ट पौंडिचेरी, कराईकल, माहे जैसे छोटे छोटे एरियाज थे. ब्रिटिश लोगों के पास बहुत सारा एरिया था। उधर उनके पास पूरा सूरत वाला एरिया, हमारा इधर हमारा बंगाल वाला एरिया, एंड उसी तरह उधर बॉम्बे वाला एरिया जो प्रिंसेस कैथरीन के द्वारा उनको मिल गया था। इनके पास बहुत सारे ट्रेडिंग पोस्ट थे, बहुत सारी अच्छी नेवी भी थी। तो ये लोग और ज़्यादा उकसाने लग गए थे फ्रेंच लोगों को यहाँ पे। मतलब उनको पता है कि एडवांटेज ब्रिटिशर्स का ही है, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने जाके इनको उकसाना शुरू कर दिया। और हम पाते हैं कि इन 1746 फ्रांस रिएक्टेड बाय टेकिंग मद्रास विद असिस्टेंस ऑफ अ फ्लीट फ्रॉम मॉरिशस, द आइल ऑफ फ्रांस, लेड बाय एडमिरल ला बोर्डोने, एंड द फ्रेंच द रूलर ऑफ मॉरिशस, दस द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर स्टार्टेड। बेसिकली क्या हुआ था इस टाइम पीरियड के दौरान, अगर आपको मैडागास्कर पता है कहाँ है, अगर आप देखोगे अफ्रीका का मैप, मैडागास्कर मेरा यहाँ पे है, इंडिया मेरा यहाँ पे है, तो ये मैडागास्कर जो था ये हमारा फ्रेंच के अंडर था। तो वहाँ पे फ्रेंच के बहुत सारी शिप्स, बहुत सारे लोग तैनात थे। तो ये उकसाते 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 ब्रिटिश लोग चले गए। तो एक टाइम ऐसा आया कि 1746 में इन लोगों ने क्या किया, फ्रेंच लोगों ने अपनी पूरी की पूरी सेना मॉरिशस से बुला ली, मैडागास्कर से नहीं, मॉरिशस से। सो बेसिकली यहाँ पे जो मॉरिशस है मेरा, वहाँ से उन्होंने अपनी सेना को बुलाया, एंड सेना को बुलाने के बाद एक डायरेक्ट अटैक कर दिया मद्रास के ऊपर। मद्रास के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया जो ब्रिटिश का एरिया हुआ करता था, ठीक है। उसमें हम पाते हैं दैट द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कंक्लूडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सलर शपेल विच एंडेड द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। मद्रास वॉज रिटर्न टू इंग्लिश अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी वाइल फ्रेंच रिसीव लैंड्स इन नॉर्थ अमेरिका इन एक्सचेंज। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये वॉर जो हो रही है, जो इंडिया के अंदर हो रही है, इसका नेगोशिएशन कहीं और ही हो रहा है। यूरोप में हुआ था इसका नेगोशिएशन, और उस यूरोप का नेगोशिएशन में उन्होंने जो ट्रीटी साइन करी एक दूसरे के साथ, फ्रेंच लोगों ने और इंग्लिश लोगों ने डिमांड करा कि वो जो आपने मद्रास नहीं कैप्चर कर लिया, आप प्लीज़ वो छोड़ दो, ये अमेरिका में आपको हम थोड़ी सी और जगह दे देते हैं, वहाँ पर आप जगह ले लो बहुत सारी, ठीक है, बस वहाँ पे वो जो मद्रास आपने कैप्चर कर लिया था ना अपनी सेना के साथ, उसको थोड़ा छोड़ देना हमारे लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ जो हमारा कर्नाटिक वॉर था, कहीं ना कहीं वहाँ पे फ्रेंच थोड़े ऊपर उभर के आए थे, राइट, वो थोड़े ऊपर उभर के आए थे। नाउ वी सी दैट द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर इज फेमस फॉर द बैटल ऑफ सेंट थोमे। प्लीज़ इन बैटल्स को याद रखना। कुछ बैटल्स हैं जो हमारे लिए थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बैटल ऑफ बिदुर है, बैटल ऑफ सेंट थोमे है, बैटल ऑफ वांडीवॉश है, बैटल ऑफ अंबुर है। स्पेशली अगर आप इन तीनों वॉर्स के अंदर देखोगे तो बैटल ऑफ अंबुर, बैटल ऑफ सेंट थोमे एंड बैटल ऑफ वांडीवॉश, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। तो इसका टाइमलाइन याद रखिएगा, एंड ये कहाँ हुआ था लोकेशन एक बार देख लेना मैप के अंदर, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाए। क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को बैटल ऑफ पलास से पता है, बैटल ऑफ बक्सर पता है, बट ये भी जो छोटे छोटे वॉर्स थे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, राइट। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वॉर था वो था बैटल ऑफ सेंट थोमे, नाउ व्हिच वाज फॉट बिटवीन फ्रेंच फोर्सेस एंड अनवरुद्दीन द नवाब ऑफ कर्नाटिक हुम द इंग्लिश अपील्ड फॉर असिस्टेंस। अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है। अभी तक तो बात होती थी कि ये जो हमारे लोकल रूलर वगैरह होते थे वो ट्रेडिंग के लिए किसी को हाँ बोलते थे, ट्रेडिंग के लिए किसी को ना बोलते थे, बट पहली बार ये लोग अब एक डायरेक्ट वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। ब्रिटिशर्स गए दौड़ते दौड़ते नवाब ऑफ कर्नाटक के पास और उनको जाके बोला, नवाब जी हमारी थोड़ी हेल्प कर दो, हम आपकी ट्रेड में बहुत हेल्प करेंगे, हम आपको बहुत पैसे देंगे, हमारी थोड़ी हेल्प कर दो। फिर हम देखते हैं स्मॉल फ्रेंच फोर्स लेड बाय कैप्टन पैराडाइज बीट द लार्ज इंडियन आर्मी लेड बाय महफूज खान एट सेंट थोमे ऑन द बैंक ऑफ रिवर अदियार। एंड ये एक टर्निंग पॉइंट भी है, ये एक लर्निंग पॉइंट और टर्निंग पॉइंट दोनों है। क्या होता है यहाँ पे, पहली बार दोनों साइड को एक चीज़ रियलाइज होती है। इंडियन साइड को पता चलता है कि ये जो फ्रेंच लोग हैं, एंड फ्रेंच ही नहीं, ये जो यूरोपियन लोग हैं, इनके पास संसाधन हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आज हम भी तलवारों से, चाकुओं से और तीर और धनुष का इस्तेमाल करते हुए लड़ने जा रहे हैं, जबकि ये लोग बंदूकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो फ्रेंच लोग थे एक छोटी सी आर्मी को लेके इतनी बड़ी एक इंडियन आर्मी को हरा देते हैं। समझ में आया। तो इसमें अब हमारे जो यूरोपियन लोग हैं उनको भी पता चल जाता है कि यार ये इंडियन लोगों को हराना तो बड़ा ईजी है, हम इनसे इतना परमिट क्यों मांगते रहते हैं, इनको तो जाके हरा ही सकते हैं हम डायरेक्टली, इनसे वॉर ही ना कर ले हम डायरेक्टली, ईजी नहीं हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो बात यही हो जाती है यहाँ पे. वी सी दैट दिस proved the Europeans in need in India that even a small disciplined force could readily beat a much larger Indian force. एक छोटी सी टुकड़ी हमारे यूरोपियन लोगों की अगर अच्छी टुकड़ी हो, अगर उनके पास अच्छा स्ट्रैटेजी हो, अच्छे से पता हो कैसे अटैक करना है क्या नहीं करना है, तो एक बड़े से बड़े आर्मी को हरा सकती है. फर्दरमोर दिस वॉर डेमोन्स्ट्रेटेड द वैल्यू ऑफ नेवल माइट इन द एंग्लो फ्रेंच फाइट इन द डेक्कन. नेवी का भी इंपॉर्टेंस वैसे भी हम लोगों को पता था, बट पता होने के साथ साथ भी हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था इन लोगों के लिए कि इन इंडियंस को हराना इजी है. इन इंडियंस को हम अपने गन से, अपने औजारों से, अपने हथियारों से एक्चुअली में हरा सकते हैं, राइट. नाउ वहां से हम चले जाते हैं अब सेकेंड कर्नाटिक वॉर की तरफ, और आप अब देख पाओगे किस तरह जो पहले सिर्फ इंग्लिश लोग एक हेल्प मांगने गए थे एक रूलर से, अब किस तरह इंडिया के सारे रूलर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे हमारे इस खतरनाक गेम के अंदर. हम पाते हैं कि राइवलरी इन इंडिया क्रिएटेड द बैकड्रॉप फॉर द सेकेंड कर्नाटिक वॉर. विच राइवलरी? डुप्लेसी जो थे हमारे, डुप्लेच जो थे, द French governor who led the French soldiers to victory in the first Carnatic war aimed to enhance his power and French political influence in southern India by meddling into the local dynastic rivalries in order to beat English. पहली बार सर, पहली बार local dynastic rivalries के अंदर participation करने की बात की जा रही है. local लोगों के जो कौन उत्तराधिकारी बनेगा, कौन उनकी पॉलिटी को संभालेगा, इस चीज में पहली बार ये जो फ्रेंच लोग थे, स्पेशली जो डुप्ली थे जो, उन्होंने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करने का आइडिया थाम लिया था. उन्होंने सोचा कि मैं इन लोगों के पास जाके एक डील बनाऊंगा, एक डील करता हूं. क्या डील थी? डील ये थी कि जैसे ही निजाम उल मुल्क की डेथ हो जाती है, द फाउंडर ऑफ दिस इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद, जैसे ही हमने जो अभी देखा था मैप में, ये जो निज़ाम्स का डोमिनियन है, इतना बड़ा जो एरिया है मेरा, इतना बड़ा जो एरिया है, इसमें जैसे ही मेरे निज़ाम की डेथ होती है तो एक घमासान जंग छिड़ने वाली है कि उतना जो एरिया है उसको अब कौन संभालेगा. तो यहाँ पे फ्रेंच लोग क्या चाहते थे, अब निज़ाम की डेथ होने के बाद चंदा साहिब जो उनके कैद में थे, जो हैदराबाद के कैद में थे, वो भी निकल आते हैं. अब बात छिड़ जाती है कि यहाँ पे, और ये जो चंदा साहिब थे ना, ये थे हमारे नवाब ऑफ कर्नाटक, ये इनके एक्चुअल नवाब ऑफ कर्नाटक थे. कि इस टाइम पे अब हम देखने वाले हैं कि द सक्सेशन ऑफ नासिर जंग द निज़ाम सन टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद वॉज डिस्प्यूटेड बाई मुजफ्फर जंग द निज़ाम्स ग्रैंड सन. तो बेसिकली जो मेरे निज़ाम थे उनके दो, अब हमारे पास दो उत्तराधिकारी निकल आते हैं. एक है निज़ाम के अपने बेटे, ठीक है, निज़ाम के अपने बेटे, और दूसरे हैं निज़ाम के अपने पोते, राइट, उनके ग्रैंडसन, ठीक है, उनके ग्रैंडसन और उनके सन, इन दोनों के बीच में. अब उसमें एक और चीज़ क्या होती है, हम पाते हैं कि चंदा साहिब जो थे वो अनवरुद्दीन को हटाना चाहते थे अपने उनका जो कर्नाटिक एरिया था, कर्नाटिक एरिया से वो उनको हटा के अपनी पोजीशन लेके आना चाहते थे. नाउ द फ्रेंच बैक्ड मुजफ्फर जंग्स क्लेम, फ्रेंच ने बोला कि हम इनके जो ग्रैंडसन है उनको हेल्प करेंगे. ब्रिटिश ने बोला हम उनके जो बेटे हैं उनको हेल्प करेंगे. सो द फ्रेंच क्लेम, एंड देन यहाँ पे चंदा साहिब और यहाँ पे अनवरुद्दीन, यहाँ पे उन्होंने बोला हम चंदा साहिब को एक सपोर्ट करेंगे और ब्रिटिश ने बोला हम अनवरुद्दीन को सपोर्ट करेंगे. तो आप देख रहे हो किस तरह यहाँ की पॉलिटिकल डिसीजन में पहली बार जो फ्रेंच और जो ब्रिटिश हैं वो एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर रहे हैं. कौन जीतेगा कौन हारेगा वो डायरेक्टली डिसाइड करेगा कि यहाँ पे फ्रेंच कंपनी रहेगी या ब्रिटिश कंपनी रहेगी. समझ में आ रहा है? दे आर नाउ स्लोली डिसाइडिंग दैट दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू, दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू. हम यहाँ पे लोकल रूलर जो लोग काम करेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. अब हम देखते हैं कि Muzaffar Jung and Chanda Sahib, the French army defeated and killed Anwaruddin in the Battle of Ambur. ये आता है हमारा एक और डिसाइसिव बैटल, बैटल ऑफ अंबुर. तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रेंच की सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन को हराया हमारे बैटल ऑफ अंबुर के अंदर इन 1749. अब अनवरुद्दीन को बैक किया था हमारे ब्रिटिशर्स ने, है कि नहीं. Now, मुजफ्फर जंग became the सूबेदार ऑफ डेक्कन and Dupleix was appointed the governor of all मुगल lands साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर. तो कृष्णा रिवर के साउथ में जितना भी एरिया था उसका गवर्नर बना दिया पहली बार एक यूरोपियन आदमी को. एक यूरोपियन आदमी को इतना बड़ा एरिया मिल गया पहली बार. तो यहीं से प्रॉपर ऑक्यूपेशन स्टार्ट हो जाती है मेरी. Then we see that the French army led by Bussy was stationed in Hyderabad to protect French interest. Now the French were granted territories around Pondicherry as well as several other regions in the Odisha coast including Masulipattnam. तो बहुत ही अच्छा लाभ हो रहा है इनका इस वॉर में से, है कि नहीं. But we see after failing to give meaningful aid to Muhammad Ali in Trichinopoli, Robert Clive, an agent of English business, the English East India Company, proposed a divisionary attack against Madras governor. अब ये देखो क्या हुआ. ये जो ब्रिटिशर्स थे ये तो हार गए एक बार, ऑलरेडी हार चुके हैं. बट हारने के बाद भी इन्होंने एक प्लान बनाया. इन्होंने प्लान बनाया कि अगर हम आरकोट, जो कर्नाटक का जो कैपिटल था आरकोट, अब देखो जस्ट स्ट्रैटेजी को समझो. आरकोट के अगर हम आरकोट के ऊपर अटैक करेंगे तो ये जो लोग मद्रास में तैनात हैं वो आरकोट को डिफेंड करने के लिए आएंगे. ये लोग जितनी देर में डिफेंड करने के लिए आएंगे उतनी देर में हम अपनी पूरी सेना बुला लेंगे और पूरी सेना बुलाने के बाद इन लोगों के ऊपर अटैक कर देंगे, क्योंकि हमारी सेना को आने में टाइम लगेगा. जो हमारी सेना डिफरेंट जगहों में तैनात है, नेवी के थ्रू आएगी, इनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा. तो हम क्या करेंगे, आरकोट के ऊपर हमला करेंगे. ये लोग जितनी देर में आरकोट को डिफेंड करने के लिए आएंगे उतनी देर में मेरी सेना भी आ जाएगी. ये था इनका प्लान. He reasoned that Chanda Sahib would rush to rescue his capital, and thus in August 1751 Robert Clive invaded and took Arcot with only 210 men. सिर्फ 210 लोगों को लेके गए थे. चंदा साहिब क्या करते हैं in response, 4000 लोगों को लेके चले जाते हैं तिरुचिरापल्ली से, और 53 डेज का एक कंटिन्यूअस युद्ध होता है. ये लोग अपने आप को एक किले के अंदर बंद कर लेते हैं एंड अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं. एंड हम क्या पाते हैं आगे जाके, क्लाइव एंड स्ट्रिंगर लॉरेंस वर नाउ एडेड बाय मैसूर, तंजोर एंड द मराठा लीडर मुरारी राव. मैसूर, तंजोर और मराठा से लोग हेल्प करने आ जाते हैं ब्रिटिशर्स को. एंड जैसे ही हेल्प करने आते हैं हम पाते हैं कि अब इन फ्रांस के लोगों का और चंदा साहिब का जो काम है वो अब खत्म है. सो फाइनली मोहम्मद अली killed Chanda Sahib in 1752 and thereby compelled the French to surrender everything. सब कुछ surrender करवाने की शुरुआत हो गई. सब कुछ जो पहले जो पलड़ा भारी हुआ था फ्रेंच के साइड, अब वो पूरी तरह पलट चुका है. So were Myanmar and Sri Lanka parts of the ancient and medieval India? देखो हम जब एंशिएंट और मिडीवल इंडिया की बात करेंगे तब ये डिस्कशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, राइट. बिकॉज अभी ये टॉपिक हमारे लिए थोड़ा बाहर है हमारे टाइम पीरियड में से. बट येस, जो हमारे एंशिएंट इंडिया में आप अगर देखोगे तो हमको अशोका के टाइम की भी कुछ राइटिंग्स हमको मिल जाती हैं हमारे सेलॉन से. उस टाइम में एंशिएंट इंडिया का पार्ट नहीं था. बट बाई द टाइम वी स्टार्ट गेटिंग चोलास के अंडर श्रीलंका पूरी तरह आ चुका था. जो आगे जाके हम विजयनगर एम्पायर के टाइम पे भी देखेंगे. सिमिलरली म्यांमार का एरिया भी जो था वो धीरे धीरे आप देखोगे कि किस तरह बर्मीज के जो किंग्स थे उनके अंडर था, फिर उनके ऊपर ब्रिटिशर्स का दबदबा आता है. एंड ये सारी चीज़ हम देखेंगे. विल कीप गोइंग दैट, बिकॉज ये थोड़ा येस एंड नो वाला आंसर तो नहीं है ना, ये भी आंसर है टाइम पीरियड बेस्ड, कि कब था कब नहीं था, कुछ टाइम के लिए था कुछ टाइम के लिए नहीं था, ऐसा वाला आंसर है ना. सो विल ट्राई एंड लुक इनटू देम व्हेन वी डिस्कस अबाउट इट. तो यहाँ पे तो बात हमारी हो गई कि किस तरह फ्रेंच को मात दे दी हमारे ब्रिटिशर्स ने, है कि नहीं. इन्होंने मात दे दी एंड बिकॉज ये जो लड़ाई है, अब ऐसा होने लगा कि अच्छा फ्रेंच को मात दे दी, अब फ्रेंच अपने और आर्मी ले आएंगे और लोग ले आएंगे, फिर ब्रिटिश अपने और आर्मी ले आएंगे और लोग ले आएंगे। तो इससे अच्छा क्या हुआ, हमारे यहाँ पे डुप्ली को इन लोगों ने बुला लिया, फ्रेंच के लोगों ने डुप्ली को वापस बुला लिया। डुप्ली को बोला कि भाई तुमने इतना सारा पैसा खर्चा किया इंडिया के अंदर वॉर 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 करने में, एंड उसके वजह से हमको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो तुमको अब वहाँ की गवर्नरशिप हम नहीं देंगे, हम तुमको बुला लेंगे। उनको बुला लिया गया, उसकी जगह भेजा गया गोदे हुए को। अब गोदे हुए ने क्या किया, गोदे हुए थोड़े पेशेंट किस्म के इंसान थे, उन्होंने जाके ब्रिटिशर से बात करी और बोला कि देखो तुम लड़ोगे मैं लड़ूंगा, ऐसे जितने लोकल रूलर हैं इनकी लड़ाइयों में अगर हम फंसने लग जाएं, हमारे पास इतने ज़्यादा वेपन्स हैं, हमारे पास इतनी ज़्यादा क्षमता है, एक दूसरे को मारते रहते हैं, गोलियां मारते रहते हैं, करते रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। एक काम करते हैं, आप और मैं डिसाइड करते हैं कि हम ये जो लोकल रूलर्स हैं ना, इनके बीच में नहीं पड़ेंगे, इनके बीच में, इनकी वॉर में हम नहीं आएंगे। एंड पता है इससे क्या पता चल रहा है हमको, इससे हमको ये चीज़ पता चल रही है मेरे जासूस हिस्टोरियंस कि अब फ्रेंच और इंग्लिश को ये चीज़ पता चल रही है कि ये जो इंडियन रूलर्स हैं ना, हमें इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को हमारी ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास ना ही वो टेक्नोलॉजी है, ना ही वो स्ट्रैटेजी है कि कैसे आर्मी को मेंटेन करते हैं, कैसे फाइट करते हैं। ये लोग एक दूसरे से छोटी छोटी जगहों पे लड़ते रहते हैं। कहाँ हम फ्रेंच और ब्रिटिश इतने बड़े बड़े ग्लोबल वे में लड़ते हैं, ये यहाँ से हम इन्वॉल्व होके क्या करेंगे, है कि नहीं। एंड ये भी याद रखना कि इनके पास एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी था। आज के यहाँ के जो रूलर थे, जो इंडिया के लोकल रूलर थे, उनको दुनिया के बारे में नहीं पता था, इन लोगों को दुनिया के बारे में पता था कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। ये सारी चीज़ें उनको ऑलरेडी पता थी। सो दैट इज़ द रीज़न वाई हमने डिसाइड किया कि हम दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू फाइट विद ईच अदर। तो फ्रेंच एंड इंग्लिश agreed not to meddle in the disputes of the native princes. Furthermore, each side was left in possession of the lands that they were really inhabited at the time of the pact. तो बेसिकली उन्होंने डिसाइड किया कि जितना भी आपने मेरा एरिया ले लिया है वो हम एरिया एक्सचेंज कर लेंगे और इन लोगों के इसमें नहीं पड़ेंगे, राइट। ये डिसीजंस हो जाते हैं। तो फिर फाइनली थर्ड कर्नाटिक वॉर क्यों होता है? अगर ये सारा डिसीजन हो ही गया था, ये सारी चीज़ें पता चली गई थी, राइट, ये सारी चीज़ें हो ही गई थी, तो फिर थर्ड कर्नाटिक वॉर क्यों होता है? एंड थर्ड कर्नाटिक वॉर का कारण हमको इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर मिलता है, बिकॉज मैक्सिमम चीज़ें बाहर से ही रिलेट हो रही थी मेरी, मैक्सिमम चीज़ें मुझे बाहर से ही आ रही थी, मेरे ऊपर इफेक्ट बाहर का ही आ रहा था बार बार। एंड यहाँ पे बात होती है व्हेन ऑस्ट्रिया सॉट टू रिक्लेम सिलेसिया एंड द 7 ईयर वॉर बिगैन, ब्रिटेन एंड फ्रांस वर वंस अगेन एट ऑड्स. The French army led by Count de Lally conquered the English fort of St. David and Vizianagaram in 1758, and the English went on to attack, inflicting significant losses on the French fleet led by Admiral D'Arc at Masulipattnam. अब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे मैंने बताया यूरोप के अंदर अब फ्रांस का और इंग्लैंड का जो 7 ईयर वॉर है वो स्टार्ट हो चुका है। और 7 ईयर वॉर माना जाता था सक्सेशन का सबसे बड़ा और सबसे गहमा गहमी वाला वॉर था। आप इसको कह सकते हो कि एक बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था ये। एंड इस लेवल पे होने का मतलब भी ये था कि यहाँ पे यूरोप के सारे देश अफेक्टेड होंगे, सारे के सारे देश अफेक्टेड होंगे। मतलब ये अगर थोड़ा और ज़्यादा होता तो हम इसको वर्ल्ड वॉर ही कह देते, अगर इसका जो दायरा है अगर थोड़ा सा और बढ़ता तो ये वर्ल्ड वॉर के लेवल्स पे चला जाता, बट वो थोड़ा सा उससे छोटा था। बट इसमें पूरा का पूरा यूरोप इन्वॉल्व था और दोनों साइड से दो लोग थे, फ्रांस को अपना डोमिनेंस प्रूव करना था, इंग्लिश को अपना डोमिनेंस प्रूव करना था, राइट। बट मैंने आपको जिस तरह बताया था कि ये जो वॉर थे ना, ये जो युद्ध होते थे, ये जो लड़ाइयाँ होती थी, ये सारी की सारी लड़ाइयाँ बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती थी, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती थी, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व थे इसके अंदर। एंड यहाँ पे एक कंट्री बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रही थी ट्रेड से, दूसरी कंट्री इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी ट्रेड से। इंग्लिश जो थे, ये लोग ब्रिटिशर्स जो थे, ये काफ़ी प्रॉफिट अर्जित कर रहे थे ट्रेड के माध्यम से, इंडिया के ट्रेड के माध्यम से, बाकी जगहों के ट्रेड के माध्यम से। जबकि जो फ्रेंच लोग थे इनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, राइट। वी सी दैट द इंग्लिश वन द क्रूशियल बैटल एट वांडीवॉश। अब आपको अगर आपको पूछा जाए कि बैटल ऑफ अंबुर कब हुआ था, बैटल ऑफ वांडीवॉश कब हुआ था, बैटल ऑफ सेंट थोमे कब हुआ था, अब आपको ये तीनों के तीनों वॉर्स याद होने चाहिए। सेंट थोमे, अंबुर एंड वांडीवॉश, ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल्स है हमारे याद रखने के लिए, बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव। मेंस क्यों? बिकॉज इन तीनों वॉर्स की वजह से मेरा पूरा का पूरा जो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में फाइनली इंडिया के ऊपर, इंडिया किसकी कॉलोनी बनेगा, फ्रेंच की कॉलोनी बनेगा, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बनेगा, किसकी कॉलोनी बनेगा, वो बात हमको यहाँ पे आके पता चल रही है सेंट थोमे और अंबुर और वांडीवॉश के इस लड़ाई के बीच में। राइट नाउ वी सी यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था, द इंग्लिश आर्मी लेड बाय जनरल इरिकोट completely destroyed the French army led by Count Thomas Arthur de Lally and imprisoned Bussy, जो उनके एक और जनरल थे। Now Lally gallantly fought Pondicherry for 8 months before surrendering in 1761, and the fall of Gingee and Mahe lowered the French dominions in India to its nadir, nadir मतलब सबसे lowest point, and Lally was captured as a prisoner of war and was later killed। तो basically अगर आप ये जो हमारी फोटो है, अगर इस फोटो का आप देखोगे, इफ यू लुक एट दिस फोटो, मैं ट्राई करूंगा, मैं इसको आपका लिंक भी भेज दूंगा, ये पता है आपको वहां की फोटो का ओरिजिनल वॉर रिपोर्ट है, वो जो बैटल ऑफ वांडीवॉश हुआ था, ये फोटो, ये जो पेपर आप देख रहे हो, वहां की ओरिजिनल वॉर रिपोर्ट है। वहां पे आप देखोगे ये जितना भी एरिया ऐसे रेड स्क्वायर्स के अंदर है, ये जो एरिया देख रहे हो, ये जो बीच में एकदम, अगर आप जूम इन करोगे अपने स्क्रीन के अंदर, थोड़ा सा जूम इन करके पाओगे कि ये जो एरिया है जो सफेद और रेड स्क्वायर्स के अंदर है, रेड और सफेद स्क्वायर्स, ये दर्शाता है हमारी ब्रिटिश फोर्सेस को, ये है हमारी ब्रिटिश फोर्सेस। अब जो जो एरिया ऐसे ही रेड और ग्रे के अंदर है, जैसे ये रेड और ग्रे के अंदर है, ये रेड और ग्रे दिखाता है हमारी ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस को, कुछ कुछ लोग जो हमारे लोकल लोगों को आर्मी के अंदर डाला हुआ था, कुछ कुछ ऐसे लोगों को दर्शाता है। सिमिलरली जो पोजीशन येलो दिखाता है आपको, येलो और वाइट, ये है हमारा फ्रेंच का पोजीशन, ये लोग हैं फ्रेंच का पोजीशन। तो बेसिकली बैटल कैसे शुरू हुआ था, इन ब्रिटिशर्स ने ये जो पॉइंट ए है यहां से अटैक करना शुरू किया था फ्रेंच के ऊपर। ये जो बड़ा सा एरिया दिख रहा है, ये हमारा वांडीवॉश का फैक्ट्री का फोर्ट था, ये वांडीवॉश का किला था, यहां पर हमारी फ्रेंच आर्मी थी एंड यहाँ से शुरू किया था अटैक हमारी ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश की आर्मी ने यहाँ पे अटैक शुरू किया था। और ये जो दोनों साइड जो लिखावट आपको मिल रही है, दोनों साइड जो लिखावट आपको मिल रही है, वो दोनों साइड वो एक्चुअली इस पूरे की पूरी बैटल का एक रिपोर्ट है जो लिखा गया था बाय हमारे कमांडर इरिकोट। तो अगर आप चाहते हो पढ़ना, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहोगे तो मैं आपको इसका एक लिंक भी भेज दूंगा जिससे आप जूम इन करके अच्छे से पढ़ पाओ। राइट नाउ अब बात होने वाली है कि इस थर्ड कर्नाटिक युद्ध था, इसका मेन कंक्लूजन क्या निकल के आया था। मेन कंक्लूजन सर यही निकल के आता है जब ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की जाती है। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की जा रही है सिर्फ इस ट्रीटी को लेकर नहीं, सिर्फ हमारी थर्ड कर्नाटिक वॉर को नहीं, ट्रीटी ऑफ पेरिस में साइन हो रहा है जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ है, वहां पे जो एरिया बट रहा है उसको लेके। एंड उस अमेरिकन रेवोल्यूशन को दिमाग में रखते हुए हम पाते हैं कि फ्रेंच के बहुत सारे लॉसेस होते हैं, फ्रेंच को बहुत सारे लॉसेस का सामना करना पड़ता है। एंड लास्टली फ्रेंच भी पोर्चुगीज और डच की तरह अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है उनको छोटी छोटी जगहों पे, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स थे इनको बहुत सारा एरिया मिल जाता है। ब्रिटिशर्स जब नेगोशिएट करते हैं फ्रेंच लोगों के साथ, बिकॉज फ्रेंच का जो पोजीशन है वो ऑलरेडी लो था, फ्रेंच के पास पैसे नहीं थे, फ्रेंच के पास लोग नहीं थे, फ्रेंच के पास संसाधन नहीं थे कुछ भी करने के, तो इसलिए ब्रिटिशर्स को इतनी फेवरेबल एक ट्रीटी मिलती है जहां पे ब्रिटिश और फ्रेंच ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब फ्रेंच बस अपनी पर्सनल ट्रेडिंग थोड़ी बहुत कर लेगा, बट फ्रेंच अब प्रॉपर ट्रेडिंग के आसपास भी नहीं आएगा, वो अपनी जितनी भी ट्रेडिंग कर रहा है करने दो, बट वो ना ही हमारे लोकल पॉलिटिक्स के अंदर आएगा, ना ही ब्रिटिशर्स जहां ट्रेडिंग कर रहे हैं वहां पे आएगा। राइट तो अब फाइनली बात आ जाती है हमारे यहां पे, ये है हमारा लास्ट पोर्शन इस क्लास का कि ये जो हमारे इंग्लिश लोग थे ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए क्यों, क्यों इतने ज़्यादा सक्सेसफुल थे, क्या डिफरेंस था इन लोगों में और हमारी पोर्चुगीज़ कंपनीज़ में, डच कंपनीज़ में, फ्रेंच कंपनीज़ में क्या ऐसा डिफरेंस था. एंड दिस इज़ वाई, दिस इज़ बेसिकली हमारा जो पूरा जो हम ये एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का जो चैप्टर हमने अभी अभी किया पिछले हमारी 5 क्लासेस में, ये उस चैप्टर का क्रक्स है. ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए, ठीक है, ये है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़. तो सबसे पहली बात हम देखते हैं वो ये है कि स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज इज इंपॉर्टेंट. स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब ये स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिंग कंपनीज का जो स्ट्रक्चर है ये आप और मैं ऑलरेडी जानते हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी. हम देखते हैं ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दिस वाज फाउंडेड बाय मर्जर ऑफ मेनी राइवल फर्म्स एट होम एंड वाज गवर्न्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुज मेंबर्स वर इलेक्टेड दीज वर मर्जर्स गवर्न्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स in an annual basis because votes could be purchased and sold through purchase of shares. The company stakeholders had tremendous power. अब एक बार जस्ट समझ लेते हैं इस चीज को. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब कंपनी को बनाया गया बहुत सारी वहां की कंपनीज एक साथ एकजुट आके मिली थी. उन्होंने बोला था कि हम एक काम करते हैं, सबके सब अपना पैसा खर्चा करके इस कंपनी का निर्माण करेंगे. क्यों? बिकॉज इनको पता नहीं था उस टाइम पीरियड पे कि कितना ज्यादा लाभ होने वाला है मुझे इंडिया के ट्रेड में से. तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे जिससे सब किसी को भी एक बहुत बड़ा लॉस ना झेलना पड़े, हम सब अपना थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे. तो मान लीजिए अगर हमारा इस कंपनी के 100 स्टॉक्स हैं तो 10 कंपनियां हैं, 10 के 10 ने 10-10% पैसा डाला इस कंपनी के अंदर, जिससे अगर लॉस हो तो सबको 10% का ही हो, किसी को डायरेक्ट 100% का लॉस ना हो जाए. पैसा डाला सबने 10-10% पैसा डाला. अब सबने ये जो 10 कंपनियां थी सबने अपने से एक आदमी को भेजा जो वहां का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना. तो अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये सब लोग क्या चाहते हैं, सबके सब एक ही चीज चाहते हैं, प्रॉफिट होना, प्रॉफिट कमाना, क्योंकि सबके पैसे यहां पे लगे हुए हैं, जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मर्जर ऑफ कंपनीज एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इलेक्शन. एक इलेक्शन होता था चूज करने के लिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन बनेंगे. यहां पे कोई नेपोटिज्म नहीं था, यहां पे कोई ऐसा नहीं था कि मेरा उसका खून का रिश्ता है तो आप उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डाल दो. नहीं, वोटिंग होगी, वोटिंग के हिसाब से पता चलेगा किसके वोट ज्यादा आ रहे हैं एंड वो जाके वहां पे डिसीजन ले सकते हैं. एट द सेम टाइम यहां पे जितने भी लोग थे वही लोग डिसीजन ले रहे थे जिन्होंने अपने पैसे लगा रखे थे इसके अंदर, वही लोग डिसीजन ले रहे थे जिन्होंने पैसे लगा रखे थे इसके अंदर, खुद के पैसे लगा रखे थे. तो इनको बहुत ज्यादा मैटर भी करता था कि प्रॉफिट होगा. एंड देन द ट्रेड कॉर्पोरेशंस इन फ्रांस एंड पोर्चुगल वर इंस्टेड स्टेट ओन्ड. कितने ज्यादा स्टेट ओन्ड पता है आपको? 60%. 60% ऑफ द फ्रेंच कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स वर चोजन बाय द मोनार्क फ्रॉम अमंग्स द स्टेक होल्डर्स टू कैरी आउट डिसीजंस ऑफ दीज टू हाई कमिश्नर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. 60%. एंड वहां पे ये स्टेट क्या करता था, स्टेट बता देता था कि आप लोग एक काम करो, आप लोग जितना भी पैसा इन्वेस्ट करो करो, हम आपको गारंटीड रिटर्न देंगे, गारंटीड रिटर्न दे देंगे हम आपको. दे गारंटीड अ डिविडेंड. उन्होंने बोला कि हम आपको एक गारंटीड रिटर्न देंगे. अरे आप पैसे खर्चा तो करो यहाँ पे. सर जी गारंटीड रिटर्न देने का मतलब क्या है पता है? कि उस कंपनी का लॉस हो या फायदा हो कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को, बिकॉज इन लोगों को तो पैसे मिल ही रहे हैं, उनको एक गारंटीड वे में पैसे मिल रहे हैं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन लोगों को. तो बिकॉज कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है इस कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए. तो फ्रेंच और पोर्तुगीज के लोग जो थे जिनको डायरेक्ट पैसे मिल रहे थे, इनको कोई इच्छा ही नहीं थी. इनफैक्ट सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या मिलता है पता है इसका, कि सन 1725 से लेकर सन 1765 तक कोई मीटिंग ही नहीं होती है इनके बीच में, मीटिंग ही नहीं होती है. जो कर रहा है करने दो, जो हो रहा है होने दो, पैसे तो मिल ही रहे हैं हमको, हमको पैसे बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं. जबकि ये ब्रिटिशर्स हमेशा मीटिंग कर रहे हैं, हर साल नए इलेक्शंस हो रहे हैं, पता चल रहा है कैसे कैसे काम करें, कैसे कैसे चीज़ों को बढ़ाएं. सो अगेन दिस इज बिकमिंग वेरी वेरी ईजी. दिस इज बिकमिंग वेरी वेरी ईजी फॉर ब्रिटिशर्स. तो पहली चीज़ तो मुझे ये पता चल गई कि बिकॉज वो लोग प्राइवेटली ओन्ड थे, उनके पास बहुत ज़्यादा इंसेंटिव था ये सारा काम करने का, है ना, बहुत सारा इंसेंटिव था कि इस ब्रिटिश कंपनी को हम प्रॉफिट की तरफ लेके जाएं. दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे मिलती है, जो आपको इस फोटो में दिख रही है, वो ये है कि जो ब्रिटिश लोग थे उनकी नेवी जो थी वो बहुत बढ़िया नेवी थी. एंड वो बहुत बढ़िया नेवी क्यों बनी? बिकॉज उस नेवी के अंदर बहुत सारा पैसा डाला जा रहा था इन लोगों के थ्रू. ये लोग जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पैसा कमा रहे थे उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इधर भी डाल रहे थे, जबकि जो बाकी हमारी कंपनीज थी उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं था ये सारा काम करने का, तो उन्होंने कभी अपनी नेवी को और बेटर बनाया ही नहीं. हम देखते हैं दैट द रॉयल नेवी ऑफ यूनाइटेड किंगडम वाज नॉट ओनली द लार्जेस्ट बट ऑल्सो द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड in its time. The Royal Navy had risen to the top of European naval powers after victories over the Spanish Armada and the French at the Trafalgar. And because of the strength and speed of the naval ships, British were able to beat Portuguese and French in India as well. The English learned the value of an effective navy from the Portuguese and technologically enhanced their own fleet. जो चीज़ इन्होंने पोर्तुगीज़ लोगों से सीखी इनिशियली उसी को बेटर बना दिया इन लोगों ने, जबकि पोर्तुगीज़ वहीं के वहीं रह गए. एंड फाइनली इस नेवल सुपीरियोरिटी की वजह से उनके ऊपर एक और एडवांटेज आ गया, राइट? इसके ऊपर दोबारा एक एडवांटेज आ गया. जो तीसरा रीज़न था वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का. ब्रिटिश के अंदर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के होने की वजह से उनका जो सिस्टम है प्रोडक्शन का वो अब बहुत ज़्यादा चीप हो जाने वाला था. उनके पास नई नई स्टीम इंजन, पावर लूम्स एंड न्यू मशीनरीज आने लगी थी जिनके थ्रू इनके लिए प्रोडक्शन हाई वॉल्यूम और चीप होने वाला था. तो इनके थ्रू जो प्रॉफिट होने वाला था इनके लिए वो भी बहुत ज़्यादा होने वाला था. द प्रॉफिट वॉज गोइंग टू इंक्रीज, राइट? इनके लिए जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला था. अभिषेक, ये जो ओरिएंटल डेस्पोटिज्म है ना, ये बहुत बढ़िया टर्म है एंड ये टर्म अभी यहाँ पर अप्लाई नहीं करता है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ. ओरिएंटल मतलब होता है हमारे ईस्टर्न साइड के लोग. ये ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल वाला टर्म ओरिएंटल है. एंड जो डिस्पोटिज्म है वो होता है बेसिकली अपने ब्लड लाइन को फॉलो करना, अपने ब्लड लाइन को, नेपोटिज्म, डिस्पोटिज्म, ये जो होता है अपने निजी लोगों को निजी जगहों पे लेके जाना. सो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म यूजुअली जो वर्ड है वो इस तरीके से यहाँ से आता है. बाकी ये कहाँ अप्लाई होता है और कैसे होता है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा व्हेन वी कम टू दैट स्टोरी, राइट? बट हम पाते हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनका जो आउटपुट है टेक्सटाइल में, मेटलर्जी में, स्टीम पावर में, हर जगह बढ़ जाता है. इनका जो ट्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इनके लिए ट्रेड करना, और उनके पास जो प्रॉफिट होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है. देन एक और रीज़न जो हम देखते हैं वो है इनका मिलिट्री स्किल और मिलिट्री डिसिप्लिन. मिलिट्री स्किल और मिलिट्री डिसिप्लिन. मिलिट्री स्किल और डिसिप्लिन का मतलब क्या है? यहाँ जो हमारे लोकल इंडियन लोग थे या फ्रेंच लोग थे या पोर्तुगीज लोग थे उनसे भी बेटर मिलिट्री लीडर्स इनके पास थे. एंड यहाँ पे एक थिंकिंग और स्ट्रैटेजी करने वाला स्वभाव बहुत ज़्यादा था इनके अंदर. बिकॉज अगेन याद रखना, इनको प्रॉफिट चाहिए था. ये कुछ क्रिश्चियनिटी की बात नहीं कर रहे थे, ये कुछ अपना एरिया बढ़ाने की बात नहीं कर रहे थे, इनको बस प्रॉफिट चाहिए था. तो इनको भी सबसे एफिशिएंट वे चाहिए था कि किस तरह हम लोग बाकी लोगों से बेटर मिलिट्रीली परफॉर्म कर सके, बाकी लोगों से बेटर वे में परफॉर्म कर सके, राइट? सो दैट्स व्हाट वी सी कि इनका जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी वो बहुत ज़्यादा बेटर थी. एंड देन जो हमारी सेकंड लास्ट चीज़ है वो है स्टेबल गवर्नमेंट. ब्रिटिशर्स के पास जो गवर्नमेंट था, एक दो रेवोल्यूशंस को छोड़ के कभी भी कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ था. जबकि ये जो फ्रेंच लोग थे इनके पास कंटिन्यूसली कोई ना कोई प्रॉब्लम कंटिन्यूस बनी हुई थी. पोर्तुगीज लोगों के पास कोई ना कोई इंटरनल प्रॉब्लम बनी हुई थी. एंड मैंने आपको बताया था बिकॉज ये जो दोनों की दोनों कंपनीज थी वो स्टेट ओन्ड थी. स्टेट में जब भी प्रॉब्लम होती थी इनके ऊपर डायरेक्ट प्रॉब्लम आता था. इनको डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता था, क्या करें ना करें, वहाँ से हमारे पास डाक आएगा, फिर डिसीजन आएगा, उतने में तो वॉर ही खत्म हो जाता था. तो इसीलिए इनके लिए ये भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता था कि वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, वहाँ पे एक स्टेबल कम्युनिकेशन है, वहाँ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारे ब्रिटिशर्स क्या, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया क्या काम कर रही है और वहाँ पे क्या हो रहा है. बट वो डायरेक्ट इफेक्ट फ्रेंच और पोर्तुगीज़ के ऊपर आता था, राइट? एंड देन आता है बात रिलीजन का. ये जो हमारे पोर्तुगीज़ और फ्रांस वाले लोग थे इनको बहुत ज़्यादा बात करनी थी क्रिश्चियनिटी की. फ्रांस वाले लोग फिर भी कम करते थे, पोर्तुगीज तो बहुत ज़्यादा करते थे, बट वहीं पे ब्रिटिशर्स को सिर्फ एक ही चीज़ पूजने का मन था, और वो था पूजना हमारी प्रॉफिट को, पूजना हमारे पैसों को। उनको सिर्फ पैसे चाहिए थे, सिर्फ पैसे चाहिए थे। एंड इसीलिए इन्होंने कभी ये सारी चीज़ों की तरफ सर उठा के भी नहीं देखा। उन्होंने कभी ट्राई भी नहीं किया ये देखने के लिए कि कहाँ से मुझे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी के अंदर मैं लोगों को ला सकता हूँ। एंड आखिरी चीज़ जो है, द लास्ट थिंग दैट वी फाइंड वाई द ब्रिटिशर्स वर बेटर देन द फ्रेंच एंड वर बेटर देन एनीवन वाज द यूज ऑफ डेट मार्केट। डेट मार्केट का इस्तेमाल, बेसिकली लोन लेना। इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने एक नई चीज़ शुरू की थी। वो ये था कि वो वहाँ पे जो बैंक खुल रहे थे, हमारे ब्रिटेन के अंदर जो बैंक थे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके पास जाके बोलती थी कि आप लोन में मुझे पैसे दो, ये जो वॉर वगैरह मैं कर रहा हूँ उसके लिए जो गन्स खरीदने हैं, शिप्स बनानी है, इसके लिए आप मुझे पैसे दो, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर आपको एक गारंटीड रिटर्न देता हूँ, एंड अगर हम ये वॉर जीत जाते हैं तो उसका भी मैं आपको एक प्रॉफिट दूंगा। तो इनके पास अब एक अनलिमिटेड पैसे की दुकान थी, अनलिमिटेड पैसे की दुकान थी। वो वहाँ बैंक से लोन ले सकते थे, डायरेक्टली एक सेंट्रल बैंक से लोन ले सकते थे, अपनी ये सारी की सारी वॉर्स के अंदर पैसा डाल सकते थे। एंड इस पैसे को डालने के बाद इनको अब चिंता नहीं थी कि मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा। जबकि फ्रेंच लोगों के पास क्या हो रहा था, जितना भी वो पैसा बना रहे थे स्टेट के पास जा रहा था, तो इनके पास वॉर को करने के लिए जितना ही पैसा बच रहा था वो उनके पास, अपने पास जितना पैसा था उतना ही था बस। तो अब आप देख रहे हो एक के पास एक अनलिमिटेड तिजोरी है, अनलिमिटेड संसाधन है, जबकि इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये फ्रेंच कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो पाएंगे। एंड फाइनली क्या हुआ, फ्रांस सिंपली फेल बैंकरप्ट। इतनी ज़्यादा फाइट्स करते करते, लड़ाइयाँ करते करते वो बैंकरप्सी की तरफ चले गए, बिकॉज इनको पैसा जनरेट करना ही नहीं आया, इनको पैसा जनरेट ही नहीं करना आया। एंड बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होता गया, लोग आते गए, नेपोलियन जी आ गए वहाँ पे, इन सारे कारणों विवश हम पाते हैं कि ये जो फ्रेंच लोग थे धीरे धीरे कंप्लीटली हमारे यहाँ से निकल चुके थे। एंड फाइनली बचते हैं हमारे ब्रिटिशर्स। हमारे पास फाइनली वी जस्ट हैव ब्रिटिशर्स, जिनके द्वारा अब हम पाएंगे कि अब इनकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह इंडिया में फुल फ्लेज्ड वे में स्टार्ट हो जाएगी, राइट, दे विल बिगिन इन इंडिया। तो ये है हमारा कंक्लूजन ऑफ द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, यूरोपियंस के आगमन का कंक्लूजन है ये, राइट। सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी राइट नाउ, बट आई होप कि ये जो हमने पूरी जो गाथा करी थी पिछले 5 क्लासेस में, अब उसका एक प्रॉपर कंक्लूजन आप अपने दिमाग में देख सकते हो। पोर्तुगीज क्यों आए, फ्रेंच क्यों आए, डच क्यों आए, और फिर लास्टली सिर्फ ब्रिटिश क्यों वहां पे रह गए, राइट, व्हाई ओनली ब्रिटिश स्टेड बिहाइंड। तो अब आज की जो क्लास है और आज की दोनों जो हमारी क्लासेस हैं, दोनों की दोनों का PDF जो है आपको अपलोड कर दिया जाएगा हमारे इस टेलीग्राम चैनल के अंदर। सो मेक श्योर यू गो हैड एंड शेयर दिस टेलीग्राम चैनल, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आप में से जितने लोग हैं, आप में से बहुत लोग हैं जो मैं देखता हूँ हमेशा मेरे क्लास में होते हैं, तो आप ज़रूर इन क्लासेस को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। एंड फाइनली हमारा जो सब्सक्रिप्शन प्लान है, आप उस सब्सक्रिप्शन प्लान को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी हमारा जो आरंभ बैच है वो भी स्टार्ट हो गया है, जो हमारा इंग्लिश बैच है 22 दिसंबर से। तो अगर आप इसको भी ज्वाइन करना चाहते हो, इसमें भी आपका वो बड़ा 40% ऑफ और 3 महीने का एक्सटेंशन अप्लाई हो जाएगा, तो इसको ज़रूर कर लेना अगर आपने 2024 को रजिस्टर नहीं किया है उसके लिए, राइट। एंड फाइनली बात तो होती है हमारी, जैसे हिस्ट्री की हम बात करते हैं, उसी तरह मैं बहुत ही जल्द आपका एक कंप्लीट क्रैश कोर्स लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर हम आपकी जो 2023 लोगों की जो प्रिपरेशन है उसको एक फुल रिविजन के माध्यम से करेंगे, जिसका अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी मेरे टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा, राइट, टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा। सो आई होप आपको हिस्ट्री पसंद आ रही है ऐसे पढ़ने में, और इसी पेसिंग के हिसाब से हम क्लासेस को थोड़ा सा और पेस में थोड़ा और बढ़ाएंगे, बिकॉज आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, जो एनालिसिस वाली अंडरस्टैंडिंग है, अब वो मैंने बैठा दी है आपके पास। अब एक बेसिक तरीका आ चुका है कि हिस्ट्री को एनालाइज कैसे किया जाता है। एंड मैं वही चाहता था कि पहले के 5 से 10 क्लासों में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। आप यहां से हम क्लासेस की गति को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, राइट? यहां से क्लासेस की गति को बढ़ाते हुए चलेंगे। सो थैंक यू सो मच आशय, थैंक यू सो मच कनिष्का, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सोनिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई बीन सीइंग यू सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ दीज क्लासेस एंड इट रियली प्लीजेस मी टू सी यू कम हियर एवरी डे, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर योर हिस्ट्री एंड बी सच गुड स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग सबके सब अपने नोट्स भी बना रहे हो, अपने नोट्स बनाते हुए चल रहे हो, इन क्लासेस का रिवीजन करते हुए चल रहे हो। और मैं ज़रूर देखूंगा कि आप लोग जब स्पेशल क्लासेस में आके हमारी जो एमसीक्यूज होंगी, वी विल मेक श्योर दैट आप लोग इस एमसीक्यूज में पार्टिसिपेट करो और आपका जो रिवीजन है वो उसके साथ साथ चलता रहे, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपकी मेरे ख्याल से एक और क्लास शुरू होने वाली है, सो मेक श्योर दैट यू गाइज गो हैड एंड ज्वाइन दैट क्लास एज वेल। एंड उसके बाद मैं आपको अपना ये जो हमारी इस क्लास की नोट्स हैं वो जल्द ही जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, राइट? So thank you so much and I'll see you tomorrow at same time, 2 o'clock and 9 o'clock. Okay?